हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मैं हूं तो सरभूषण सिंह और ये है ब्यूटीफुल सा चैनल रीडिंग मानिया। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। आज हम जिम्नोस्पर्म का सिर्फ क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और हमारे नेक्स्ट जो ये हमारा लेक्चर नंबर 13 और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 14, उसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। अगर आप लोग ये लेक्चर पूरा एंड तक देखते हैं तो आई होप आपको जिम्नोस्पर्म का स्ट्रक्चर का अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये जो जिम्नोस्पर्म है, ये जिम्नोस्पर्म दो ठो वर्ड को मिला के डिराइव हुआ है। फर्स्ट आपका है जिम्नो और सेकंड है आपका स्पर्म। तो जिम्नो मतलब क्या है? जिम्नो का मतलब है जिम्नो का मतलब है आपका नेकेड, नेकेड। और स्पर्म का मतलब है, स्पर्म का मतलब है क्या? स्पर्म का मतलब है सीड, सीड। तो जिस प्लांट का नेकेड सीड होता है वैसे प्लांट को हम बोलते क्या है? जिम्नोस्पर्म प्लांट बोलते हैं। समझ में आ गया? तो वैसे ही यहाँ पे आपको दिया है ओविलस नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। तो ओविलस जो होता है वो किसी भी ओवरी वॉल से अटैच्ड मतलब क्लोज्ड होके नहीं रहता है। समझ में आ गया आपको ना? ओके। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको समझाने के लिए मैं बोलूं तो ये जो मार्कर का यहाँ से ये पॉइंट से है आपका, ये जो आपका पॉइंट है यहाँ से, इसके ऊपर मान लो ये सीड है, सीड है। तो ये जब इस स्टेज में रहेगा तो ये खुला है ना सारा, तो ये होगा आपका जिम्नोस्पर्म स्टेज। और बाद में हम पढ़ेंगे जो एंजियोस्पर्म है उसमें क्या रहता है? सीड कोवर होके रहता है, सीड कोट रहता है उसका। तो ये इसका कोट लग गया, तो ये होगा आपका एंजियोस्पर्म स्टेज, वो हम बाद में पढ़ेंगे। समझ में आ गया आपको जिम्नोस्पर्म का? ओके। तो फिर अभी हम देखते हैं द सीड डेवलप दैट पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन पीरियड में हमारा सीड डेवलप होता है, उसी टाइम भी ये क्या होता है? कोवर नहीं होता है, नॉट कोवर्ट, आर दैट इज नेकेड, नेकेड। उसका मींस क्या है? उसका मींस है नेकेड। समझ में आ गया आपको? ये इंक्लूड क्या करके रखता है, कैसे टाइप के प्लांट को ये इंक्लूड करके रखता है? ये इंक्लूड करके रखता है मीडियम साइज प्लांट, टॉल प्लांट एंड श्रब्स प्लांट। तो मीडियम साइज जो रहता है, और जैसे हमारा क्या है मीडियम साइज मतलब मैंगो, मैंगो वैसे टॉल मैंगो पपाया वैसे बहुत सारा होगा। और टॉल प्लांट मतलब क्या क्या है? टॉल प्लांट मतलब जैसे हमारा है क्या है, कोकोनट है ना, कोकोनट ट्री सारा जो होता है। और श्रब्स मतलब भी आपको पता है श्रब्स कहाँ पे दिखाई देते हैं, ये ज़्यादातर डिजर्ट एरिया में दिखाई देते हैं, है ना। और ये आपको एक एग्जांपल दिया है बुक में, जेंट रेडवुड ट्री। ये जो आपका है रेडवुड ट्री, ये पूरा टॉलेस्ट प्लांट है, प्लांट स्पीसीज में ही फास्ट है ये टॉलेस्ट, टॉलेस्ट प्लांट, फास्ट टॉलेस्ट प्लांट, टॉलेस्ट प्लांट, फास्ट टॉलेस्ट प्लांट आपका क्या है? द रेडवुड ट्री। क्या है? द रेडवुड ट्री हो गया। तो इतना तो पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसका रूट स्टेम लीव्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनका रूट स्टेम लीव कैसा होता है। अभी हम चले आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि था हमारा किसका? रूट का। तो रूट जो होता है इनका कैसा होता है? इनका रूट होता है टैप रूट होता है। और ये क्या होते हैं? इनका कुछ कुछ जेनेरा के, कुछ कुछ जेनेरा के, जेनेरा के रूट में क्या होता है? फंगल एसोसिएशन होता है, फंगल एसोसिएशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइकोरिजा बोलते हैं, माइकोरिजा बोलते हैं। और इसको क्या भी बोलते हैं? इसको बोलते हैं पाइनस। ओके। फिर और कुछ का क्या होता है? सम अदर्स, और जो बज रिमेनिंग जितने रह गए वो उनका क्या होता है? स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरालॉइड रूट्स बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरालॉइड रूट्स। तो ये जो कुछ बच गए इसको हम क्या बोलते हैं? रिमेनिंग जो होता है इनको हम बोलते हैं, ये साइकास बोलते हैं, इसको पाइनस बोलते हैं और इसको साइकास बोलते हैं। समझ में आ गया? फिर ये जो कोरालॉइड रूट होता है ये किसमें मदद करता है आपका? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए मदद करता है। किसके लिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो उनके रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया भी उनके रूट में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया आपको? तो अभी हम स्टेम की बात करते हैं। इनका जो स्टेम होता है, स्टेम कुछ ब्रांच होता है और अनब्रांच भी होता है। तो ऑन ब्रांच स्टेम जो होता है ये कहाँ पे पाया जाता है?
ये साइकास में दिखाई देता है और ये आपका पाइनोस में दिखाई देता है। तो पहले आप इतना तो नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लिप्स के बारे में देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं इसके लिप्स के बारे में। तो इनका लिप्स कैसा होता है? इनका लिप्स ज्यादातर सिंपल लिप होता है, सिंपल और कंपाउंड होता है, सिंपल और कंपाउंड होता है। और साइकास में कैसे वाला लिप दिखाई देता है? साइकास में आपका पिनेट लिप दिखाई देता है। कैसा लिप? पिनेट लिप। ओके, और इनका जो जिम्नोस्पर्म का जो लिप सारा होता है ये कैसा होता है? वेल एडॉप्टेड इन एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो एक्सट्रीमली टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड में भी ये इनका पत्ता कुछ नहीं होता है, वेल एडॉप्टेड होता है। उसमें क्या होता है? वेल एडॉप्टेड होता है। और कोनिफर में, इन कोनिफर, यहाँ पे हम इन लिख देते हैं, इन कोनिफर नीडल लाइक लिप्स आर प्रेजेंट। Which type of lips? Needle like lips. In conifer, needle like lips are present which helps in the reduction of surface area. Surface area को reduce करने में ये मदद करता है। और इनका lips कैसा होता है? These type of lips are, the lips present in conifer are thick, cutile and sunken which helps in the reduction of water loss. जो water loss को रोकने के लिए मदद करता है, रिडक्शन होता है इसका, रिडक्शन। अगर आपका वाटर लॉस अगर 100% हो रहा है तो वो रिड्यूस करके इसको 70% तक कर देता है। इतना थोड़ा सा तो रिड्यूस करता है ना। और ये सरफेस एरिया भी क्या करता है? रिड्यूस करता है। तो कम होता है बोल के मैं ऐसे वाला सिंबल यूज कर रहा हूँ, अगर ज्यादा होता तो मैं ऐसे वाला सिंबल यूज करता। तो इसमें तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। तो इसमें हमारा आज का लेक्चर होता है एंड हमारा आगे का लेक्चर आता रहेगा। आप लोग प्लीज देखते रहना, लाइक करते रहना और मेरे चैनल में जो न्यू है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब के लिए बाय बाय।